चैप्टर 7। अब ये इसमें क्यूब रूट निकालना है हमने, तो क्यूब रूट का साइन है जैसे ये हम ऐसे लिखते हैं यहाँ 3 लगा के, और स्क्वायर रूट को हम या तो सिंपली ऐसे लिखते हैं या फिर यहाँ 2 का साइन लगाते हैं, जो हम हमारा ये दिखाया नहीं गया। तो इस तरह से ये क्यूब रूट का साइन है, सिंबल है क्यूब रूट ऑफ, और इससे डिनोट करते हैं इसको। अब है हमारी एक्सरसाइज 7.2। एक्सरसाइज 7.2, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आपने क्यूब रूट निकालने हैं, यानी कि पहले की तरह हमने इसके फैक्टर किए, प्राइम फैक्टर किए हमने। फिर हमने क्या किया, यहाँ क्यूब रूट का साइन, क्यूब रूट का साइन है ये क्यूब रूट ऑफ अंडर रूट, क्यूब रूट ऑफ 64। जैसे यहाँ 3 लगा दिया और फिर इसके फैक्टर को हमने अंदर लिख लिया, और क्यूब में क्या करते हैं हम 3-3 का पेयर लेते हैं। यहाँ हमने 3-3 के 2 पेयर बना लिए, तो ये 2 2 जा 4। अगर 4 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे 4 मल्टीप्लाई 4 16, फिर इसकी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारा 64 आएगा। इसीलिए क्यूब रूट ऑफ 64 जो है वो क्या आ गया हमारा 4। ऐसे ही ये जो नंबर दिया हुआ है, इस नंबर का क्यूब रूट आपने निकालना है थर्ड पार्ट में। फिर इसके फैक्टराइजेशन किया इसका, तो फैक्टराइजेशन करके जो आपके फैक्टर आए उनमें 3-3 का पेयर बनाया, 3-3 का पेयर बना के उसकी मल्टीप्लाई की, क्या आ गया 2 11 जा 22। तो 22 जो है आपका इसका क्यूब रूट आ गया। अगर इसको 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये नंबर आएगा। अब है फोर्थ पार्ट, ये नंबर आपको दे रखा है, इस डिजिट का आपने क्या किया, प्राइम फैक्टराइजेशन किया। ऐसे ही फिर आपने 3-3 के पेयर बनाए, जैसे 2 का एक पेयर, 3 का एक पेयर और 5 का एक पेयर। तो इसको एक बार लिखा, फिर इस 3 को फिर एक बार लिखा और 5 को एक बार लिखा, इनकी मल्टीप्लाई किए तो ये आपका 30 आ गया। 30 को अगर आप 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपका ये नंबर आ जाएगा। ऐसे ही आपने बीच वाले पार्ट करने हैं, और ये आपका 9th पार्ट है, इसके भी प्राइम फैक्टराइजेशन किए और फिर इसी तरह पेयर बनाए, उन प्राइम फैक्टराइजेशन को लिखा क्यूब रूट के साइन के अंदर और फिर उसके पेयर बनाए। पेयर बनाने के बाद आपने एक पेयर को एक बार लिखना है, दूसरे को फिर एक बार, फिर एक बार, और फिर उनकी मल्टीप्लाई करके आपका ये क्यूब रूट आ गया। अगर इस नंबर का क्यूब रूट निकालेंगे तो ये आ गया।